कि जब भी वो गाती हैं अध्यात्म से जोड़ते हुए संगीत को लेकर चलती हैं और फिर अपने जितने गाने उन्होंने गाए हैं उन सबको भी आप तक पहुंचाते हैं। कई मंचों पर इनके साथ मुझे करने का मौका मिला है, मंच खास तौर से मैंने राजगीर महोत्सव में इनके साथ किया, कोटेश्वर धाम किया, दशरथ मांझी महोत्सव, तो आज फिर इनसे मिलने का मौका मिल रहा है, ये हमारे लिए भी सवाल हिंदुस्तान की वो मशहूर आवाज जो आवाज फिल्मों के माध्यम से टीवी चैनलों के माध्यम से आपकी दिलों तक पहुंचती रही है, जो आवाज भोजपुरी जगत की पहचान बन के उभरी, जिन्होंने कई हिट भोजपुरी एल्बम दिए, जिन्होंने हिट भजन गाए, वो कल्पना जो आसाम से चलकर बिहार पहुंची, मुंबई पहुंची, वो कल्पना जो आपके लिए, वो कल्पना जिन्होंने संगीत को साधा, संगीत को पूजा, आइए उन्हें आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं इस मंच के माध्यम से, उनके तमाम म्यूजिशियंस के जरिए। और ये म्यूजिशियन इस बैंड की खासियत है, से भी है, आसाम से भी है, झारखंड से भी है, उत्तर प्रदेश से भी है, तमाम जगहों के म्यूजिशियन मिलकर कल्पना जी के रंग में रंग गए हैं, भोजपुरी के रंग में रंग रहे हैं। तो एक जोरदार तालियां इन म्यूजिशियंस के लिए। और उसके बाद मैं बताना चाहूंगा आवाज की दुनिया की वो मशहूर हस्ती जिन्होंने भोजपुरी जगत की दिशा बदल दी, संगीत की दशा बदल दी, मैं सादर आमंत्रित करना चाहूंगा भोजपुरी दिलों की धड़कन कल्पना जी के लिए, जोरदार तालियां नीचे आपके तरफ से।